पर अभी एक और बाइक वाले को रोका है और जिन जिन को पुलिस को लग रहा है, जाहिर बात है यहाँ पर पुलिस के पास जो इतलात है कि वो ये यहाँ पर वो दो अफराद है जो कि यहाँ पर भागे हैं। पुलिस ने यहाँ पर ऑलरेडी नाका लगाया हुआ है और पुलिस की जो गाड़ी एक आगे भी मौजूद है और पुलिस ने यहाँ पर उन दो मुजरिमान को इंटरसेप्ट कर लिया है। गुलशन कुपांग, कब से तुमने गाड़ियाँ छीनने का काम शुरू किया? पहले तो मैंने मतलब चोरी का काम शुरू किया था। अच्छा। वो फिर मैं लेके जाता था, कभी हाजी पाकिस्तानी का आदमी आता था यहाँ से लेके जाता था। तो उसके बाद फिर अभी 6 महीने हुए हैं छीनने में आया था मैं। अगर आपको याद हो, आज से कुछ अरसा कबल हमने ACLC के साथ मिलकर कराची में गाड़ियाँ छीनने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया था। कराची में गाड़ियां छीनने के हवाले से सिर्फ यही ग्रुप सरगर्म नहीं था, बल्कि इनके साथ इन्हीं का एक और मुश्तरका ग्रुप भी आए दिन शहरियों को उनकी कीमती गाड़ियों से महरूम कर रहा था। और मेरे ख्याल से गालिबन की वही गाड़ी, इसको रोके, ये गाड़ी है, आप ये देख सकते हैं। ये मेहरान नहीं, अगर एक बंदा ग्रेजुएट होके डाके मार सकता तो एक बंदा ग्रेजुएट होके मजदूरी क्यों नहीं कर सकता? कराची शहर में एक और कार लिफ्टर ग्रुप सरगर्म हो गया है जो कि दिन दहाड़े शहरियों को उनकी कीमती गाड़ियों से महरूम कर रहा है। पुलिस उस कार लिफ्टर ग्रुप को कैसे उनके अंजाम तक पहुंचाएगी, देखेगा आज के प्रोग्राम में। गलत सोहबत, बुरी आदत, बेजा पाबंदी या हद से ज्यादा आज़ादी, यही वो बुनियाद हैं जो एक आम इंसान को मुजरिम की सफ में खड़ा करती हैं। छोटी उम्र में शुरू की जाने वाली मामूली चोरियाँ किस तरह आगे चलकर बाकायदा और मुनज्जम मुजरिमाना सरगर्मियों में ढल जाती हैं, इसका अंदाज़ा अपने बच्चों की गलतियों से नज़र चुराने वाले माँ बाप नहीं कर सकते। मोबाइल छीन लेना, ATM से पैसे निकालते ही लूट लेना, मोटर बाइक चोरी करना या गाड़ी छीन लेना, मेहनत से जान बचाने और आसानी से पैसे कमाने के शौकीन यही मुजरिमाना राहें इख्तियार करते हैं, जो जाने अनजाने इन्हें ऐसी खाई की तरफ ले जाती हैं जहां से चाह के भी वापसी मुमकिन नहीं। टीम अंजाम आज ACLC में मौजूद है और ACLC पुलिस ने यहाँ पर एक ऐसे बैनुल सबाई कार लिफ्टर ग्रोह का सुराग लगाया है जो कि कराची में मुतादद गाड़ियां छीनने की वारदातों में मुलव्वस है। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं अल्ताफ अबरो साहब। इस टाइम मैं यहां पर इन्हीं से अपनी बातचीत का आगाज करूंगी। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, इससे पहले भी हम लोगों ने ACLC वालों के साथ काम किया हुआ है और ये हमें पता है कि आप लोग जो है महदूद वसाइल में भी बड़ा अच्छा काम करते हैं। ये जो स्पेसिफिक ग्रुप जिसकी आज हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बारे में आप हमें बताइएगा। ये बेसिकली बिलोंग करता है, जो आज हम जिस ग्रुप के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इनको अरेस्ट करें, वो बेसिकली इंटीरियर से लड़गाना से ताल्लुक है इस बंदे का जिसके बारे में हम आप चाहेंगे। ये मुख्तलिफ तीन ग्रोहों के साथ ये काम करता है ये बंदा। एक इनका ग्रोह का जो तीन बंदों पे मुश्तमिल है वो पंजाब से ताल्लुक़ रखता है, एक इनके साथ है जो लड़कना और खैरपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, और एक ग्रोह है जो ठट्टा से ताल्लुक़ रखते हैं। ये तीन मुख्तलिफ ग्रोह के साथ ये काम करता है बंदा। और इन्होंने कराची के मुख्तलिफ इलाकों से, जौहर से, गुलशन से, DHA से बहुत सारी गाड़ियाँ चोरी और शहर में मौजूद कीमती गाड़ियां चुराना या छीन लेना कुछ ऐसा मुश्किल भी न रहा। ये काम इनफरादी बुनियाद पर नहीं बल्कि बाकायदा ग्रुप की शक्ल में किया जाता है। हुकूमती इदारों की बे इंतहा कोशिशों के बावजूद ये मुजरिमान अपने घिनौने कारोबार को इंतहाई कामयाबी से चलाते हैं। जहाँ ये जराइम पेशा अफराद अपना काम दिखाते हैं, वहीं इदारे भी मुस्तकिल इनकी ताक में रहते हैं और मौका मिलते ही इनको धर दबोचते हैं। आज भी एक ऐसी ही इत्तला पर टीम अंजाम ACLC की नफरी के साथ एक खतरनाक कार चोर ग्रोह के ताकुब में है। तो आज हमें एक इन्फॉर्मेशन है कि ये कराची में यहाँ मौजूद है किसी इलाके में, तो हम अब कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ मिलकर के परेड करके उनको पकड़ा जा सके। अच्छा सर, ये बताएगा अल्ताफ अबरो साहब, ये जो मुलजमान है स्पेसिफिकली जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं और अभी हम लोग आपके साथ रेड पे भी जाएंगे, अभी आपके पास क्या इत्तला है कि ये लोग कौन सी गाड़ी में आएंगे, जिस गाड़ी में ये लोग आएंगे कि वो लोग जो है ऑलरेडी छीनी हुई गाड़ी में आएंगे या अपनी गाड़ी में उनकी आने की इत्तला है? हमें जो इत्तला है कि ये कल एक जोराबाद थाने के इलाके से गाड़ी चोरी हुई थी मेहरान है, तो वो उसमें मौजूद हैं और वो वहाँ से शिफ्ट करेंगे अभी गाड़ी कहीं ले जाएंगे, तो हम उनके इत्तला भी उनके साथ हमारा फ़ोन पे है अपना कॉन्टेक्ट है अपने इन्फॉर्मर से, जैसे जैसे उनका रूट चेंज होगा या जिस तरह से जहाँ से वो गुजरेंगे तो इंशाल्लाह हम उनके पहले से ताकुब करके उनको रोकने की कोशिश। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा मुझे कि पहले हम देखते थे कि एवरेज कराची में गाड़ियाँ छीनने की जो तादाद थी वो बहुत ज़्यादा थी, अब बताइएगा अब कराची में ये रेशो क्या है?
देखिए दिन ब दिन रेशो कम ही होता जा रहा है गाड़ियों का। पहले दिन में गाड़ियाँ चोरी होती थी, डेली बेसिस पे होती थी, अब डेली बेसिस पे नहीं। बेसिकली इशू ये है यहाँ पे कि हमारे जो SCLC के क्रिमिनल्स हैं, जो कार लिफ्टर्स हैं, बेसिकली छीनने वाले, वो लोकल नहीं हैं। उनमें से कुछ जो है इंटीरियर सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ पंजाब से रखते हैं और कुछ बलूचिस्तान से रखते हैं। तो वो जब कराची में आते हैं और कोई गाड़ी छीनते हैं तो यहाँ से फिर वहाँ जब वापस जाते हैं तो चंद दिनों के बाद आते हैं और फिर इसी तरह वो अपने टेन्योर के हिसाब से टाइम टाइम आते हैं और ये करते हैं। उसमें काफ़ी मतलब ये हुआ कि हमने पकड़े हैं उनको, फिर जेल भी भेज दिया है और कुछ इनकाउंटर्स में मारे भी गए हुए हैं, तो इस वजह से फ़र्क पड़ा हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएगा, लेकिन फिर भी फ़र्क पड़ा है, लेकिन ऑफकोर्स हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। तो बेसिकली आपको क्या लगता है अफरोज साहब के बुनियादी तौर पर मसला कहाँ पर आता है? क्या जब ये मुलजमान जब अंदरून सिंध से जब कराची में जब लोग दाखिल होते हैं तो क्या बॉर्डर पे क्या कहते हैं, क्या सर्वेलेंस कम है? नहीं देखें, बस बेसिकली मसला ये है कि हमारा SCLC के हिसाब से अगर बात करें कि जो SCLC क्रिमिनल्स इंटीरियर से यहाँ आते हैं तो वहाँ से यहाँ तक कराची तक आने तक वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आते हैं, बाई ट्रेन भी आ सकते हैं, कोच में भी आते हैं और अपने प्राइवेट कार में भी आते हैं। मगर जब वो आते हैं तो जेन्युइन गाड़ी अपनी जो होती है उन पे आते हैं। अब जो हमारे नाके लगे होते हैं वहाँ पे आम पुलिस थानों की हमारी जो वहाँ पे है, जब उनको रोकती है, चेक भी करती है, तो उनके पास जेन्युइन गाड़ी होती है तो वो इसी तरह एंटर हो जाते हैं कराची के अंदर। फिर वो अपने चॉइस के मुताबिक अपने इलाकों में ये गाड़ी छीनने का अमल करते हैं। अच्छा, और ये मैंने और मुझे ये जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये चॉइस जो है इनकी ज़्यादातर कराची के पॉश इलाके हैं, डिफेंस है, क्लिफ्टन है, भादराबाद है, तारिक रोड है, इस किस्म के इलाके इनकी ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा इनकी लोगों फर्स्ट प्रेफरेंस पर होते हैं। क्योंकि मसला ये है कि ये इनकी जो है प्रेफरेंस इसलिए है कि ये जो छीन रहे हैं गाड़ियाँ, नए मॉडल की गाड़ी छीनते हैं, क्योंकि उनकी फिर जब बेचते हैं ये लोग तो उनको ज़्यादा पैसे उस हिसाब से मिलते हैं। तो इन इलाकों में वैसे ही पोस्ट इलाकों में पोस्ट लोग रहते हैं तो उसमें से उनके पास नए मॉडल्स की गाड़ियाँ हैं, तो बेसिकली वो इसी वजह से करते हैं। और अगर वो चोरी की अगर बात करते हैं तो इन इलाकों में गाड़ियाँ चोरी होती है तो वो कमर्शियल इलाके की वजह से गाड़ियाँ लोग फ्लोटों में रहते हैं, गाड़ियाँ नीचे पार्क करते हैं, तो रात के टाइम में वो आसानी के टारगेट होता है चोरी करने के लिए। थैंक यू सो मच अल्ताफ अब्दुल साहब, और मैं खास हमें निकलना चाहिए रेड के लिए। निकलना चाहिए, मैं तब तक अभी टीम अपनी रेडी करता हूँ, मैं अपना इन्फॉर्मर से भी कॉन्टेक्ट करता हूँ, फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। थैंक यू। अपने मुखबे की मुस्तनद इत्तला पर ACLC के अहलकार और टीम अंजाम एक कार लिफ्टर गिरोह को पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मिशन पर निकलने से पहले ACLC के अफसरान ने हर तरह की सिचुएशन से निमटने के लिए अपनी टीम को जरूरी हिदायत दी और यूं हम पूरी तैयारी और फोर्स के साथ इस मिशन की तकमील के लिए रवाना हुए। टीम अंजाम इस टाइम मुकम्मल तौर पर तैयार है उन मुलजमान का ताकुब करने के लिए जो कि सरेआम दिन दिहाड़े अवाम को उनकी कीमती अमलाक से महरूम कर देते हैं। इस टाइम मेरे साथ अल्ताफ अबरो साहब मौजूद हैं और ये इस टाइम मुलजमान की आखिरी लोकेशन मालूम कर रहे हैं। जाहिरी बात है जैसे ही हमें उनकी लोकेशन पता चलेगी तो हम लोग उस जगह पर जाकर हम रेड करेंगे। हम निकल रहे हैं अभी। अच्छा, तो किस जगह पर उनकी लोकेशन आई? थाना न्यू टाउन का इलाका है, वहाँ जाएंगे। ये अपना हमारा जो रूट जो है ये आगा खान यूनिवर्सिटी से आएंगे। अब देखते हैं वहाँ पे किस तरफ जा रहा है। हमारा तो काफी मेन इलाका है पूरे शहर का। हाँ, तो ये कहीं से भी गुजर सकते हैं। हमारा इन्फॉर्मर उनके पीछे बाइक पे, वो कहीं से भी गुजरेंगे हमें पता चलेगा, हम रास्ते में पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। चले जी, अभी हम लोग निकल रहे हैं और न्यू टाउन के पास जो है उन मुलजमान की आखिरी लोकेशन आई है। लेट्स सी कि वहाँ पे जाके हमें किस सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। और ये सामने से एक गाड़ी नज़र आ रही है मुझे और मेरे ख्याल से गालिबन की वही गाड़ी। इसको रोके आप ये देख सकते हैं, अभी ये मेहरान 2018 जो इतला थी पुलिस के पास, ये वही गाड़ी है और ये गाड़ी यहाँ पर पुलिस को डॉज दे के भागी है। कभी छत पे स्टाफों की ठक ठक वो क्रिकेट।
अच्छा जी, टीम अंजाम अब फाइनली न्यू टाउन के इलाके में मौजूद है और यहाँ पर पुलिस के पास मुसद्दका इत्तला मौजूद है कि यहाँ पर अब से कुछ देर के बाद वो कार लिफ्टर ग्रुप यहाँ से गुजरेगा और उनके पास वही गाड़ी है जिसकी FIR दर्ज हुई है जौहराबाद थाने में कि वहाँ पर इस कार लिफ्टर ग्रुप ने शहरी से उसकी मेहरान गाड़ी चुराई है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अभी यहाँ पर पुलिस की पिकेट लगी हुई है और पुलिस का जो इन्फॉर्मर है वो मुस्तकिल उन लोगों को यहाँ पर ट्रैक कर रहा है और यहाँ पर अभी पुलिस के पास मुसद्दका इत्तला मौजूद है कि अब से कुछ देर के बाद वो कार लिफ्टर ग्रुप यहाँ इस सड़क पर से गुजरेगा। अच्छा सर, बताइएगा कि अभी क्या इत्तलात हैं आपके पास, अभी आखिरी अब क्या बात हुई है? अभी मेरी 5 मिनट पहले मुझसे बात हुई है कि ये जो है हसन स्क्वायर की तरफ है, अभी वहाँ से रूट से आ रहे हैं। अच्छा। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, देखते हैं कि कौन से रूट से अब यहाँ से क्रॉस करना है। इन्होंने शायद तार रोड की तरफ जाना है, अब यहाँ से इन होते हैं या पल्ली वाली गली से होते हैं, अब जैसे जैसे वो इत्तला देते रहेंगे हम उसी हिसाब से। आपके पास अभी ये इत्तला है कि वो लोग जो है उसी मेहरान गाड़ी में मौजूद है? हाँ। जो कि उन्होंने छीनी है? हाँ, नहीं, ये गाड़ी उन्होंने चोरी की है। अच्छा। ठीक है, उसी पे उन्होंने नंबर प्लेट चेंज करके अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन का नंबर प्लेट लगाया। अच्छा। हुआ है उसी गाड़ी पे। अच्छा। सेम गाड़ी पे। चलो जी, फिर देख लेते हैं, अब से थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल पेश आएगी। ये चोरी की गाड़ी है और उसके ऊपर जो है अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर लोगों ने नंबर प्लेट लगाया हुआ है। लेट्स सी कि अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर क्या सूरत हाल पेश आएगी। अब से कुछ अर्से कबल भी टीम अंजाम ने जो है ACLC के साथ एक ऐसा ही शो किया था और उस टाइम वहाँ पर एक और बहुत बड़ा बैनुल सुबाई कार लिफ्टर ग्रोह का सरगना गुलशन गोपांग को पुलिस उस टाइम गिरफ्तार किया था और अभी ये गैंग जो है उसी गुलशन गोपांग के साथ इंटरकनेक्टेड है। लेट्स सी, पुलिस जो है बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगी और देखेंगे हम लोग बाद में कि बाद में इस गैंग का जो है क्या अंजाम होगा। अच्छा सर, ये मुझे ये बताएगा कि इतनी गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं, ऑफ कोर्स हमें पता है ये बड़ा एक बिजी रोड है कराची का, तो इतनी सारी गाड़ियों में कैसी आइडेंटिफिकेशन होगी अगर वो मुलजमान से भाग गए तो? ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं अभी कि यही चीज़ हम देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ कि ये अंधेरा है और इस चीज़ का कैसे वो फायदा उठाते हैं या नहीं करते, मगर हमारा बंदा उनके बिल्कुल पीछे है भाई। और अभी सबसे ज्यादा यहाँ पे एक नेगेटिव बात ये है, मुझे नहीं मालूम आप इस बात को यहाँ पे कैसे लगे कि अभी पूरे इलाके में लाइट भी नहीं है। हाँ, लाइट नहीं है और देखते हैं, हमारा बंदा है, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन है उस बारे में कि वो बंदा गाड़ी लेके यहीं से गुजरता है, तो इंशाल्लाह हम कर लेते हैं। आप देखेंगे इंशाल्लाह कोई ना कोई। चलिए ठीक है, बिल्कुल चलिए जी, बिल्कुल क्लू यहाँ पे मिलना चाहिए। और जाहिर बात है, एक बात यहाँ पर मैं बार बार करती हूँ कि गाड़ी जो है इंसान बड़ी मुश्किल से लेता है, गाड़ी इंसान यहाँ पर बड़ी मेहनत से लेता है। एक मिडिल क्लास बंदे की पूरी ज़िंदगी की जो एक हासिल होता है वो यही होता है जी हमें जो है यहाँ पर 4-व्हील गाड़ी चाहिए, तो वो अगर आपकी गाड़ी कोई पलक झपकते आपसे छीन के ले जाए तो जाहिर बात है ये चीजें दिल को बड़ा हर्ट करती है। अच्छा अब्रो साहब, ये बताइएगा, मैं यहाँ पे देखती हूँ कि यहाँ पर आपके जो पुलिस एहलकार जो हैं वो यहाँ पे टिपिकल पिकेट लगा के नहीं खड़े हुए, इसकी कोई खास वजह है? इसकी वजह, खास वजह ये है कि हम अगर यहाँ पिकेट लगा के चेकिंग करेंगे, दूसरी गाड़ी को डिस्टर्ब करेंगे, तो वो पीछे वाले को पता चलेगा कि यहाँ चेकिंग हो रही है, शायद वो आगे ना आए। इस वजह से हम लोग सिर्फ पर्टिकुलर एक गाड़ी को ही रोकने की कोशिश करेंगे जिसमें वो लोग। अच्छा, तो ये आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है? वैसे हम लोग बहुत सारी गाड़ियाँ रोक लेंगे तो वो इशू हो जाएगा, जब वो आएगा तो जाहिर बात है हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो शायद हो सकता है वहाँ देख के पीछे भी भाग सकता है। इस वजह से हम किसी भी गाड़ी को दूसरी को नहीं रोक रहे इस वक्त, क्योंकि हम पर्टिकुलर उसी गाड़ी को रोकेंगे जो आएंगे। ठीक है, बिल्कुल जी, पुलिस की स्ट्रेटजी है ये और जाहिर बात है इनको ज़्यादा बेहतर पता है अपने काम का, तो ये भी एक अच्छा तरीका है ताकि जो मुलजमान है वो पहले से होशियार ना हो जाए और वो होशियार होकर वो मुलजमान अपना रास्ता ना तब्दील कर लें। इत्तला पक्की है, फोर्स अलर्ट है, नाका तैयार है, इंतजार है तो बस उन मुजरिमान के इस जाल में फंस जाने का। हमारे इंफॉर्मर के मुताबिक कार लिफ्टर ग्रुप तेजी से अपनी राह पर गामजन है और किसी भी लम्हे हमारी पहुंच में आ सकता है। भी जो पुलिस को जो भी आखिरी जो इत्तला मिल रही है वो इत्तला ये मिली है कि मुलजमान इस टाइम बहादुराबाद 4 मीनार चौरंगी तक पहुंच गए हैं और पुलिस का इन्फॉर्मर जो है मुस्तकिल यहाँ पर पुलिस को इत्तला कर रहा है कि मुलजमान अब बहुत ज़्यादा करीब हैं। मेहरान गाड़ी है AFR 2018 और ये सामने से एक गाड़ी नज़र आ रही है मुझे और मेरे ख्याल से गालिबन की वही गाड़ी, इसको रोके आप ये देख सकते हैं, ये मेहरान 2018 जो इत्तला थी पुलिस के पास ये वही गाड़ी है और ये गाड़ी यहाँ पर पुलिस को डॉज देके भागी है और पुलिस के एहलकार पीछे भागे हैं उस गाड़ी के। लेट्स सी, अभी आगे चलते हैं, आ जाइए।
चले जी आगे जाके पुलिस ने मुलजमान को इंटरसेप्ट कर लिया है और यहाँ पर मुलजमान हर मुमकिन यही कोशिश थी कि वो यहाँ पर पुलिस को डॉस सके आगे जा सके, लेकिन यहाँ पर पुलिस के मुखबर ने अपना काम पूरा किया है और अभी आगे पुलिस की गाड़ी ने उस मेहरान को यहाँ पर रोक लिया है। ये देखिए जी, ये वो गाड़ी है, ये वो मेहरान है जिसको पुलिस ने इस टाइम अपनी कस्टडी में ले लिया है और इसके अंदर से यहाँ पर दो मुलजिमान को यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अल्ताफ साहब, यही वो मुलजिमान है? हाँ, यही एक मुलजिम है। इसमें एक का नाम जो है, एक मिनट रुके, यही मुलजिम है जो हमें चाहिए था, गुलाम शबीर कलोड़ो। अच्छा, उसके साथ एक दूसरा लड़का है, अब नया लड़का है, इसका इंट्रोड्यूस करते हैं तो पता चलेगा। अच्छा, इसका नाम क्या? अच्छा, ये गुलाम शबीर कलोड़ो को पहले भी गिरफ्तार किया? हाँ, ये पहले भी 2-4 मरतबा गिरफ्तार पहले भी हो चुका। अच्छा, है और इनके कब्जे से अभी क्या क्या मिला? अब इनके कब्जे से ये गाड़ी मिली है एक तो। हाँ, ये जिसको हमने पहले से पता है कि था कि हमें ये चोरी की है और वो चेचेस से पहले हमने पैसे कन्फर्म कर लिया है कि वही है। इनके आप सांस चले बिल्कुल, हमें मालूम है काफी दूर से पुलिस एहलकार यहाँ पे भागते हुए हैं। तो दोनों से पिस्टल मिले हैं दो अभी। अच्छा, ठीक है, अभी हम इनको ले जाएंगे मगर पहले हम चीज़ों को देखते हैं क्या है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, अभी पुलिस ने यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है क्योंकि एक मौके पर हमें भी यहाँ पर यही लगा था कि शायद ये मुलजमान यहाँ पर पुलिस को चकमा देके भाग जाएंगे, लेकिन पुलिस यहाँ पर मुकम्मल तौर पर अलर्ट थी और पुलिस ने कुछ ही दूर आगे जाके इन मुलजमान को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। दो मुलजमान हैं जो कि यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं और उनके कब्जे से यहाँ पर दो पिस्टल भी मिली हैं। गुलाम शबीर कलोड़ो एक यहाँ पे मुलजिम का नाम है जो कि अबरोज साहब के मुताबिक पहले भी 2-4 मरतबा गिरफ्तार हो चुका है। तो ये अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मुलजमान यहाँ पर अंदर मौजूद हैं। इनसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या होगी ये अभी हमें वापस ACLC जाके पता चलेगा। बिलाखिर तेजी से गुजरने की कोशिश करते कालिफ्टर ग्रो को पुलिस ने काबू में कर ही लिया। ये वो ग्रो है जिसने बेशुमार गाड़ियां छीनी और चोरी की हैं और मुतअद्दिद बार पुलिस की गिरफ्त से बच निकलने में भी कामयाब रहे, लेकिन आज कानून के शिकंजे ने इन्हें जकड़ ही लिया। चलिए ये देखिए, ये वो गाड़ी है जिसके ऊपर AFR 2018 के लोगों ने यहाँ पर नंबर प्लेट लगाई हुई है और ये ऑफ कोर्स ये नंबर प्लेट यहाँ पे जाली है। ये नंबर प्लेट यहाँ पर पुलिस को डॉज देने के लिए है और यहाँ पर इस टाइम एक पुलिस एहलकार इस गाड़ी को अब वापस ACLC लेके जाएगा और इसकी गाड़ी के जो असल मालकान है उनको यहाँ पर बुला के ये गाड़ी उनके भी यहाँ पर हैंड ओवर की जाएगी। नहीं, अगर एक बंदा ग्रेजुएट होके डाके मार सकता है तो एक बंदा ग्रेजुएट होके मजदूरी क्यों नहीं कर सकता। नेस्ले बुनियाद है नए मजेदार चोको फ्लेवर में। नेस्ले बुनियाद, बेहतर जिंदगी की मजबूत बुनियाद।
छीनी गई गाड़ियां किस तरह नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन बुक में हेर फेर के बाद एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती हैं, जरा एक बार फिर सुनिए साबिक एसएसपी एसीएलसी मुकद्दस हैदर की जबानी। एक तो जाली नंबर प्लेट्स इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट कर रही है कि सरकारी नंबर प्लेट हो या पुलिस की नंबर प्लेट अगर आप लगा लें तो कराची से निकलना बहुत आसान है। सेकेंडली ये कि गाड़ियाँ चुराने में जो है डुप्लीकेट चाबियाँ भी जो है बड़ी आसानी से मिल जाती हैं और प्लस फेक डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो भी बड़ी आसानी से बन रहे हैं। ये एक एग्जांपल आपके लिए मैं नंबर प्लेट की आपके आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप पूछेंगे। ये हमारे पास दो नंबर प्लेट्स हैं, दोनों प्रेजुमली भी आप देखें तो आपको एक जैसे लगेंगे, इनमें से एक ओरिजिनल है और एक फेक है। ये एक ओरिजिनल नंबर प्लेट है, ये एक फेक है। ये इस्तेमाल होती हैं नॉर्मली कार स्नैच होती है, साथ ही वो नंबर प्लेट चेंज करते हैं। नंबर प्लेट चेंज करने के बाद अगर उन्होंने जो फेक नंबर प्लेट लगाई है उसके फेक डॉक्यूमेंट भी इनके तैयार होते हैं। अच्छा, जाता है हेरा फेरी से नहीं। कॉलेज के वक्त से गुलाम शबीर को जो चोरी की बुरी लत लगी उसने 26 साल बाद भी इसका पीछा नहीं छोड़ा। सालों की मुल्क से दूरी और बाइज्जत रोजगार भी इसके अंदर के चोर को राह रास्त पर ना ला पाए। एंटी कार लिफ्टिंग सेल पुलिस ने एक ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया है जो कि मुतअद्दिद कार स्नैचिंग की वारदातों में मुलव्वस रहे हैं। मेरे साथ अभी उसी ग्रुप का सरगना गुलाम शबीर मौजूद है। ये वारदातें क्यों करते थे, कैसे करते थे, ये इन सारे सवालात के जवाबात अभी मैं यहाँ पर इनसे जानती हूँ। गुलाम शबीर नाम है आपका? जी हाँ। और ये कब से आप गाड़ियाँ छीनने की वारदातें कर रहे हैं? तकरीबन 7 साल हुआ है। अच्छा, और हमें तो आपका जो रिकॉर्ड पता चला है वो ये है कि आप 1990 से काम करते आ रहे हैं। 90 से नहीं, 92 से, मैं कॉलेज के जमाने में पढ़ते थे तो उसी वक्त चोरियाँ करते थे गाड़ियाँ। अच्छा, फिर मैं सऊदी अरब चला गया, तकरीबन 10-12 साल सऊदी अरब में था। फिर उसके बाद आया, अपने मिल्क शॉप थी, दुकान थी, वहाँ पे जो बैठे रहे, अभी 7.25 साल हुआ है तकरीबन इस कामों में। तो जब 92 में आपने पहली गाड़ी कौन सी चुराई थी? मेहरान थी। ठीक है, और सऊदी अरब में आपने क्या किया? मैं ड्राइवर था। ड्राइवर थे आप वहाँ पर। अच्छा, ये बताए, 1.25 साल हो गया आप वहाँ पर सऊदी अरब में, आप 10-12 साल आप नौकरी कर कर आए हैं, तो ये वापस आपको ख्याल क्यों आया कि कराची में जाके दोबारा मैं गाड़ियाँ छीनूंगा? बस ऐसी नौबत आ गई थी कि करना पड़ा। क्या नौबत आ गई थी? ऐसी मजबूरियाँ आ गई। क्या मजबूरी थी? गुर्बत थी, नौकरियाँ नहीं मिल रही थी यहाँ पे, उसकी वजह से। अच्छा जी, तो अभी आखिरी गाड़ी आपने कौन सी छीनी? जी करोला थी। कौन सी करोला थी? XLI। अच्छा, वो किससे छीनी थी? ड्राइवर से। और कौन से इलाके में छीनी थी? ये गुलशन इकबाल से। तो क्या टाइम था, क्या वक्त था, कैसे छीनी थी, तरीका वारदात क्या आपका? हम गाड़ी में आए, 4 बंदे थे हम, और बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पीछे गली में गाड़ी खड़ी थी, हमने वहाँ से उठाई, उस बंदे को उठाया और गाड़ी ली उसे। फिर हम आगे जाके धाबे जी पे, वो गाड़ी हमारे से बंद हो गई। क्यों, कैसे? बस आगे पुलिस चेकिंग थी उसकी वजह से। अच्छा, फिर हम पीछे वापसी आ गए धाबे जी में, हमने गाड़ी को छोड़ दिया। अच्छा, आज तक आपने कितनी गाड़ियाँ छीनी है 1.25 साल में? तकरीबन 8-10 हैं। अच्छा, और सारी की सारी करोला? जी हाँ। अच्छा, और ये छीनने के बाद फिर आपका अगला सारा प्रोसीजर क्या होता है, फिर क्या करते हैं इन गाड़ियों का? वो हमारा जो सरगना होता है वो गाड़ी आगे भेज देता है। सरगना कौन है आपका? नवाज लगारी। ये कहाँ पर होता है? ये डेरा गाजी खान का है। अच्छा, जो कराची से जो गाड़ियाँ जो छीनती हैं वो कहाँ जाती हैं? ये बलूचिस्तान की तरफ, वही भेजता है। अच्छा, तो आपको इस पे कितना कमीशन मिलता है? 50-55 मिलता है। 1000 जी, फी बंदा जी। और वो गाड़ी कितनी की बिकती आगे जाकर? आगे जाके पता नहीं उसका वो कितने में। तो ये बताएं, ये आखिरी गाड़ी जो भी आपने छीनी जिसके ऊपर आप गिरफ्तार हुए हैं, इसका आप लोगों ने रैकी कैसे की, कैसे मंसूबा बनाया कि यही वाली करोला छीनी है? यही वाली नहीं है, हमने टारगेट कोई किसी को नहीं बनाया था, मतलब अचानक रोड पे मिल गई, बोला गया हम ये उठाते हैं। सही। अच्छा जी हाँ। तो आपका फिर छीनने के बाद आप सबसे पहले क्या करते हैं? छीनने के बाद वो ड्राइवर को उतार देते हैं, फिर हम आगे गाड़ी खुद लेके जाते हैं। उसकी नंबर प्लेट वगैरह चेंज नहीं करते? रास्ते में करते हैं कभी, ये अगर होती हैं तो करते हैं, ये अगर नहीं होती हैं तो इसी नंबर पे ले जाते हैं ड्राइवर। तो अगर कभी किसी गाड़ी में कुछ जैमर्स लगे होते हैं उसको क्या करते हैं? तो वो मास्टर है, खुद काटते हैं। कौन काटता है? नवाज लगारी। वो कैसे काटता है, उसके पास क्या चीज होती है काटने के लिए जैमर? वो ये कटर प्लास होती है और स्क्रू ड्राइवर होता है उसके पास जी। तो कितनी देर में जैमर कट जाता है? तकरीबन 10-15 मिनट में काट जाता है। अच्छा, और बलूचिस्तान में इनके खरीदार कौन है? ये तो एक हाजी मुंदरानी के नाम से सुना है, उनको देते हैं। तो ये बताएं कि दुराने डकैती मजाहमत भी होती? कभी कभार। क्या कहते हैं लोग? मारते हैं वो लोग तो। तो आप भी तो मारते हैं, आपने दुराने डकैती दो लोगों को कत्ल नहीं किया? ये मैंने तो नहीं किया, मतलब उन रजब नाम लड़का था उससे वो फायर हुआ था हंगामे के दौरान, दो लोग कत्ल हुए हैं। अल्लाह जानता है।
आपको नहीं पता? नहीं। कहाँ पे वो हुई थी मजाहमत? ये गुलशन इकबाल की तरफ हुआ था। क्या हुआ था वहाँ पर? वहाँ पे हम गाड़ी छीन रहे थे तो अचानक में गाड़ी स्टार्ट तो हुई, वो हैंड ब्रेक उसकी नहीं उतरी, तो इतने में मजाहमत हो गई, उधर से ईंटें मारने शुरू किए, फायर मारे उन लोगों ने, इसकी जवाबी फायरिंग में इन लोगों ने भी फायर मारे, ये पता नहीं हम तो निकल गए वहाँ से। असलाह कहाँ से आपके पास? वो उन्हीं लोगों के पास। लाइसेंस होता है असलाह का? अल्लाह जानता है, ये अल्लाह जानता है। आपको कोई मजदूरी भी नहीं मिली? नहीं, मजदूरी पढ़े लिखे थे, अभी मैं ग्रेजुएट हूँ। नहीं, अगर एक बंदा ग्रेजुएट होके डाके मार सकता है तो एक बंदा ग्रेजुएट होके मजदूरी क्यों नहीं कर सकता? दूध की दुकान तो खुली हुई थी। चले ना, ठीक है, वो तो आपने कहा ना उसमें कोई प्रॉफिट ही नहीं था, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं ग्रेजुएट था तो मैं मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता था। नौकरी के लिए बहुत सी जगह पे अप्लाई किया, नौकरियां नहीं। चले, नौकरी नहीं मिली, उसके ऊपर मट्टी डाल दे। आप ये बता दें कि डाके मारना सही था? सही, गलत था। सही है। जेल कितनी मरतबा गए? जी, दो मरतबा। चले ठीक है जी। ये हमारे साहब जो है गुलाम शबीर मौजूद हैं और ग्रेजुएट हैं, सऊदी अरब में 10-12 साल नौकरी भी कर आए हैं, लेकिन गुज़िश्ता एक साल से ये कराची में गाड़ियां छीनते हैं अपने ग्रुप के साथ, और गाड़ियां छीनने के दौरान दौराने डकैती मजाहमत पर ये दो अफराद को कत्ल भी कर चुके हैं। सर ये बताइएगा, ये बेसिकली काफ़ी अरसे से कराची शहर में, पहले तो खैर बहुत ज़्यादा होता था कि एवरेज पर जो है इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ छीनी जा रही थी, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि अब ये तादाद काफ़ी कम हो गई, लेकिन कम नहीं हुई है। ये जो स्पेसिफिक ग्रुप अभी आप लोगों ने यहाँ पर गिरफ्तार किया है, इसके बारे में आप हमें क्या बताएँगे? हाँ जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि हमारे यहाँ कराची में बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो पहले तो ज़्यादा था, क्राइम रेशो अभी कम है, मगर अभी हम लोग जितनी गाड़ियाँ छीन रही थी तो उस पर हमारे जो है वो हम लोग पुलिस काम कर रही थी उस पर, तो हमें कुछ जिससे छीनते हैं गाड़ी तो उसमें से हम लोगों ने बहुत सारी जगहों से सीसीटीवी कैमरास की मदद से कुछ फोटेजेस लिए थे, जिसमें से हमें स्पेसिफिक जिस ग्रुप में जो अपना है गुलाम शबीर कलोड़ो, उसकी हमें बहुत सारी जगहों पर जो है ना उसकी मौजूदगी में हुई, तो हमने उस पर काम करना शुरू किया कि भाई इसको हमें अरेस्ट करना है। तो फिर हमें 8 तारीख को हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि वो कराची में मौजूद है, आया हुआ है इसी क्राइम के सिलसिले में ही, तो उस दिन हम लोगों ने अपना दाऊद मोड़ है अपना न्यू टाउन थाने के इलाके में, वहाँ पे हमने अपनी चेकिंग लगा हुई, तो हमें इन्फॉर्मेशन थी कि ये यहाँ से आएगा या गुजरेगा, तो वहाँ पे हमने इसको जब गाड़ी के दौरान चेकिंग के दौरान रोका तो मेरान गाड़ी पे मौजूद था, जिसके साथ इसके साथ दूसरा लड़का नजीब भी साथ था जिसको हमने चेक किया था, तो वो गाड़ी भी ऑलरेडी न्यू जोराबाद थाने की चोरी में थी, इनसे असला भी बरामद हुआ। जब इनको लेके आके जब इनको इंट्रोगेट किया है हम लोगों ने, तो इन्होंने इंट्रोगेशन के दौरान अपना इंकशाफ किया है कि हम लोगों ने अपने इसके साथ बेसिकली ये 4 ग्रुप के साथ काम करता है, अब उसमें से लीडर्स अलग अलग है ग्रुप्स के, एक ग्रुप का लीडर जो है गुलशन गोपांग है जिसको हमने 2-3 महीने पहले पकड़ा था, जो इस वक्त जेल में मौजूद है, नवाज लगारी है उसके साथ उसका एक चचा है अपना रजब लगारी है, शकूर है, एक उस ग्रुप के साथ ये काम करता है, एक तीसरा ग्रुप है इनके साथ जिसमें अमानला जोर है उसके साथ, हुसैन जोर है, और इनके साथ एक इब्राहिम बंदा है एक चौथा, ये 3 ग्रुप के साथ मुख्तलिफ ग्रुप के साथ मिलकर ये कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियाँ छीनते रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा अल्ताफ अबरो साहब, ये कराची के, क्योंकि हमने जब गुज़िश्ता टाइम जब हमने शो किया था ACLC वालों के साथ, तब जो है गुलशन गोपांग को गिरफ्तार किया था, एक चीज़ यहाँ पर सामने आती है, ये जो गाड़ियाँ जो चोरी होती हैं वो मेजॉरिटी जो है वो कराची के पोस्ट इलाकों से चोरी होती हैं, डिफेंस है, गुलशन है, क्लिफ्टन है, पीछे जैसे इन इलाकों से गाड़ियाँ चोरी होती हैं, तो क्या इन इलाकों में गाड़ियाँ चोरी करना आसान है बनिस्बत दीगर शहर के इलाकों के? जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे वो है कमर्शियल इलाके, कमर्शियल इलाके में गाड़ियाँ बाहर आप घरों के अंदर पार्क नहीं कर सकते, आपको बाहर ही पार्क करनी होती है, और चोरी करने का मतलब देखिए नई गाड़ी ये चोरी नहीं करते, नई गाड़ी जो आजकल नई टोटा करोला गाड़ी है ये छीनते, पुरानी गाड़ी ये चोरी करना इनके लिए आसान हो जाती है क्योंकि वो चाबी पुराना हो जाता है, ताले भी इनके पास कुछ ऐसे वेपन्स होते हैं इंस्टॉल होते हैं जिनके साथ ये चाबी खोल लेते हैं और वो आराम से गाड़ी जो है ना लेके जा सकते हैं। अच्छा ज़्यादातर मैं आपकी बात से जो समझ पाई वो ये है कि ज़्यादातर गाड़ियाँ उन इलाकों से छीनी जा रही हैं जो कि कमर्शियल इलाके हैं। ठीक है ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच अल्ताफ अबरो साहब, खास साहब हमें नजीब से ही बात करती हूँ मैं ज़्यादा। ये पकड़े जाते हैं, छूट जाते हैं, फिर पकड़े जाते हैं और फिर से छूट जाते हैं, इनके लिए सज़ा जैसे सज़ा नहीं बल्कि मज़ा है, क्योंकि ऐसी सज़ा जिसका कोई खौफ ही ना हो
वो मजा ही बन जाती है। तुम्हारी उम्र कितनी नजीब? 27 है। और कितना पढ़े लिखे हो? 5 है। और कब से गाड़ियाँ छीनने का काम कर रहे हो? 2 साल पहले हम 2 बार आया, उसके बाद फिर नहीं आया। अच्छा, वैसे तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से? सजावल से। अच्छा, सजावल से तुम यहाँ कराची आते हो गाड़ियाँ छीनने के लिए? 2 साल पहले आया, उसके बाद हम छोड़ दिया, फिर गिरफ्तार हो गया, 2 बार गिरफ्तार, अभी 2री बार गिरफ्तार हुआ हूँ, अभी नहीं फिर कर रहा, मैं छोड़ दिया। अच्छा, तो अभी तुम गिरफ्तार गाड़ियाँ छीनने पर ही हो ना? जी सर। अच्छा, 2 साल पहले क्यों गिरफ्तार हुए थे? वो जो 2 बार हमने गलती की थी उसी वजह से गिरफ्तार। कौन सी गलती की थी? वो 2 बार गाड़ी छीनी थी। मतलब पुलिस ने तुम्हें किस जगह से उठाया है? सर, नर्सरी से। अमान अल्लाह कौन है? वो भाई है सर। क्या करता है वो? वो पहले ये हमारे साथ आया था, फिर पता नहीं उसका, वो गाड़ियों के ट्रैकर नहीं करता ये पता नहीं। हम 2 बार आपको बताया, 2 बार आया। नहीं, अमानुल्लाह के बारे में मुझे बिल्कुल सच सच बताओ, अमानुल्लाह कौन है, क्या करता है? वो भाई है हमारा। क्या करता है? वो भी हमारे साथ 2 बार आया है था। क्या करने आया था यहाँ पर कराची में? समंदर देखने आया था? नहीं, वो उठाई थी गाड़ी, उठाई थी ना? कौन सी गाड़ी उठाई थी उस टाइम? कार गाड़ी। अच्छा, अमानुल्लाह का उसमें क्या किरदार था? वो बस आगे बैठ गया था, हम पीछे बैठ गए थे। क्यों? पता नहीं उसने क्या किया। सही सही बताओ ना। सही बताया, फिर हम अपनी गाड़ी में चले गए। हमारी कौन सी गाड़ी है? वो जो दूसरा गुलशन लेके आया था। अच्छा, मतलब उससे पहले जो है तुम गुलशन गोपांग के साथ तुम काम करते थे, और चूंकि अब गुलशन गोपांग गिरफ्तार है, इसलिए अब तुमने अपना ग्रुप बदल के अब तुम नवाज लगारी के साथ चले गए हो। जी नहीं सर। अच्छा नजीब, मुझे अब ये बताओ कि तुम 2 साल पहले भी तुम यहाँ पे गिरफ्तार हुए, अब तुम यहाँ पे फिर गिरफ्तार हुए, अब हम तुमसे अगली दफा मुलाकात कब करेंगे जब तुम दोबारा जब तुम गिरफ्तार हो गए? छोड़ दिया। बस कर दो ना, अगर तुम सुधरने वाले होते ना, अगर तुम सुधरने वाले होते तो तुम जो 3-4 महीने की तुम जो जेल काट कर आओ, तुम उसी टाइम तुम सुधर जाते। अभी भी हम सुनवाई दे रहा, अभी तकरीबन 4-5 वो दो गाड़ियां 2 साल पहले हम पकड़ाए, फिर अभी गिरफ्तार 4-5 महीने हो गए हुआ था, फिर हम जेल गया, वहाँ से आया, अभी फिर सुनवाइयाँ भी हम दे रहे हैं, सब नहीं छोड़ दिया। अच्छा अच्छा, बस मुझे आखिर में सिर्फ ये बता दो, अमानुल्लाह कौन है? जी वो भाई है। अमानुल्लाह क्या करता है इस पूरी सूरत हाल में? अमानुल्लाह का क्या किरदार है? सर वो गाड़ी चलाता है। गाड़ी कौन सी चलाता है? छीनी हुई गाड़ी चलाता है ना? और अगर किसी गाड़ी में कोई ट्रैकर लगा होता है, वो ट्रैकर कौन काटता है? ये हम पता नहीं हम। सही है, तुम बिल्कुल ही तो मासूम चल रहे हो, तुम बिल्कुल ही तुम नन्हे चल रहे हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम सजावल से तुम कराची आ जाते हो, कराची आने के बाद तुम गाड़ी छीनते हो, गाड़ी छीनने के बाद तुम गिरफ्तार होते हो, तुम फिर जेल भी जाते हो, तुम दूसरी बार भी तुम यहाँ पे गिरफ्तार होते हो, लेकिन तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अच्छा ये बताओ, फी गाड़ी छीनने का तुम्हारा कमीशन क्या मिलता है? 5,000 मिला। क्या 5,000? किस जमाने की बात कर रहे हो? 2 साल पहले जो हम। और अभी अभी कितना मिलना था? अभी मैं किया नहीं था। अच्छा अभी किया ही नहीं, तो अभी सर आपने एक बेड़े गुनाह को आपने क्यों फिर गिरफ्तार किया? अभी इसका मतलब कहने का ये कि अभी हमने गाड़ी आगे बेची नहीं थी, तो मिलना कहाँ? अच्छा आखिर में तुम कुछ कहना चाहोगे, तुम गुनाहगार हो या तुम बेगुनाह हो? सर हम बस वही गुनाह जो किया, अभी हम यही कहना चाहता है, अभी हम इंशाल्लाह नहीं करेंगे। ये तो तुमने पिछली बार भी कहा होगा, ये तो हमें गुलशन गोपांग ने भी कहा था, ये तो उससे पहले तुमसे पहले जो आदमी बैठा हुआ था गुलाम शब्बीर, ये तो उससे भी कहा है। इंशाल्लाह अभी आप नहीं सुनोगे, नहीं करेंगे। चले जी, एक यहाँ पर आके एक नई बात ये पता चली है कि ये कारों की जो चोरियाँ होती हैं, जो कार डकैत जो ग्रुप होते हैं, ये लोग बकायदा ये काम सिखाते भी हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ये लड़का नजीब, इसकी उम्र यहाँ पर 27 साल है, और ये लड़का अभी ये काम सीख रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये अभी इंटर्नशिप पर है, और पता नहीं इसकी इंटर्नशिप की मुद्दत यहाँ पर कब ख़त्म होगी, और जब इसकी इंटर्नशिप की मुद्दत यहाँ पर ख़त्म होगी तब हम ये कह सकेंगे कि ये एक बाकायदा प्रोफेशनल कार डकैत बन के निकलेगा। खैर उससे पहले भी ये जो है जेल यात्रा करके आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद अभी जो है मेरे ख्याल से इसकी तमन्ना पूरी नहीं हुई, इसको शायद दिल करता है ये जेल में और जाके रहे, लेकिन लेट्स सी कि अभी इसके केस का आगे जाके क्या बनेगा। और प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं SSP ACLC असद रजा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ऑफ कोर्स एक बड़ी कामयाबी अभी आप ये टीम ने हासिल की है, एक और
आप लोगों ने एक ऐसा ग्रुप पकड़ा है जो कराची शहर में गाड़ियों को छीनता है या लोगों से उनकी गाड़ियां चुराता है। इससे पहले भी हम लोगों ने ACLC के साथ काम किया हुआ है और हमें पता है कि, और हम शायद ये कह सकते हैं कि इस ग्रुप की कनेक्टिविटी जो है गुलशन गोपांग के साथ भी है। तो इस ग्रुप के हवाले से आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिली और किस तरीके से ये सारी कार्रवाई अमल में आई? जी, जो गाड़ियाँ स्नैच करने का जो अमल है वो मेरा ख्याल है जितने भी क्राइम होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा हीनियस क्राइम है, क्योंकि इस पे ना सिर्फ ये है कि जो भी विक्टिम है उसकी जान को ख़तरा होता है, इमीडिएट ख़तरा होता है, उसके अलावा ये कि उसके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो भी एट रिस्क होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर आदमी है इसने तो ऐसा है कि तकरीबन 2008 से लगातार ये सैकड़ों जो है ना वो गाड़ियों छीनने में मुलव्वस था, और इनका तरीकाकार यही होता है कि ये लोग तकरीबन ऐसे समझें कि शिफ्ट में जैसे काम करते हैं रोटेशन के अंदर, कि एक बंदा अगर आता है एक हफ़्ते के लिए कोई वारदात करता है तो फिर वो एक हफ़्ते के बाद गायब हो जाता है और फिर एक महीने के बाद दोबारा अपीयरेंस करता है अपनी। सर ये बताइएगा कि पहले पहल तो हम देखते थे कि कराची शहर में उन्हें एवरेज इतनी गाड़ियाँ छिनती थी कि बस शहरियों ने जब तौबा कर ली थी नई गाड़ी ख़रीदने से, अब आप बताइएगा अब ये रेशो कितना कम हुआ है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इसमें मैं यही कहूँगा कि ऑफकोर्स जो कराची पुलिस की लीडरशिप है उसने जो पॉलिसीज़ उन्होंने जो अख्तियार की हैं उससे ये है कि मेरिट के ऊपर जो लोग इस वक्त तैनात किए जा रहे हैं उसका बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा दूसरी बात ये है कि टेक्नोलॉजी इज़ आवर बेस्ट हेल्प आल्सो इन द शेप ऑफ ट्रैकर्स, के काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं उन्होंने नई गाड़ी में ट्रैकर लगाने शुरू कर दिए हैं। ट्रैकर लगने से ये तो नहीं श्योर तो नहीं हो सकता कि गाड़ी छीनेगी नहीं या रिकवर हो जाएगी फ़ौरन, मगर ये है कि उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से CCTV फुटेज जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और जैसे जैसे नेटवर्क जो है कैमराज का बढ़ रहा है शहर के अंदर, कवरेज बेहतर हो रही है, उसी तरह से क्राइम की प्रिवेंशन और डिटेक्शन जो है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। अच्छा सर, इस वाले केस में भी हमने एक नया ट्रेंड ये देखा कि अब गाड़ियाँ छीनने के शायद एक नया ट्रेंड ये है कि अब ये लोग जो है AFR नंबर प्लेट्स यूज़ करते हैं ताकि शायद ये लोग फौरी तौर पर पकड़ में नहीं आ सकें। तो सर क्या आपको ये नहीं लगता ये जो जाली नंबर प्लेट्स जो बनती हैं जो कि महकमा एक्साइज से जो इशू नहीं होती हैं वो इस तमाम तर मामले में इन दिकेज ग्रुप्स को कितना ज़्यादा सपोर्ट करती हैं? बिल्कुल जी, ये जैसे ये समझें कि ये हमारे लॉ इन्फोर्समेंट की रजीम जो है उसमें एक बहुत बड़ा जो है ना वो गैप है, और शहरियों को चाहिए कि पुलिस के साथ और सिंध गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ, और अपनी गाड़ियां जो हैं उन पे जो सही मुस्तैद जो है सर्टिफाइड जो है नंबर प्लेट्स वो लगाएं, क्योंकि इसी चीज़ों का फ़ायदा जो है ना फिर वो ये लोग उठाते हैं। जैसे आप देखें कि शहर के अंदर इवन AFR उसके अलावा कई बाई नेम जो हैं वो लोगों ने नंबर प्लेट्स बनाई हुई हैं, फैंसी नंबर प्लेट्स हैं जो कि ऑथराइज नहीं हैं। इसी तरह से कई लोग GP नंबर प्लेट जो है उसको भी बेदरेग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा सर, ये मुझे बताएगा कि जिन जगहों पर कराची शहर में जाली नंबर प्लेट्स बनती हैं, ऑफकोर्स मेरे ख्याल से पुलिस ला इलम तो नहीं होगी कि ये चीज़ें बनती कहाँ पर है, तो उसके ऊपर आप लोग क्रैकडाउन क्यों नहीं करते हैं? जी, उस पर क्रैकडाउन कर रहे हैं। अब जैसे देखें कि ट्रैफिक पुलिस ने पिछले 2 माह से मेरा ख्याल है ये जो मुहिम स्टार्ट की हुई थी फैंसी नंबर प्लेट के खिलाफ, तो उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हुई है और उसमें उन्होंने बाउंड डाउन किया है उन लोगों को भी जो कि नंबर प्लेट्स बनाते हैं। थैंक यू सो मच सर। और ये थे हमारे साथ SSP ACLC असद रजा साहब, और इनका यहाँ पर ये कहना था कि गाड़ी छीनने की वाकयात में जो सबसे बड़ी जो हर्डल आती है पुलिस को उस गाड़ी तक पहुँचने के लिए वो ये है कि यहाँ पर जो है ये क्राइम जो है ये जो क्रिमिनल्स जो हैं ये लोग यहाँ पर जाली नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं, और इनका यहाँ पर ये भी कहना था कि इन चीज़ों की रोकथाम करने के लिए बाकायदा कानून साजी करने की भी ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल अन हाशमी को टीम अंजाम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जम्हूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आईन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जम्हूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जम्हूरी पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों? इस मुल्क में हकीकी जम्हूरियत है
یا ٹیرنی آف میجورٹی. آج عوام، عدلیہ اور فوج ایک پیس پر. دیکھیے پروگرام پوائنٹ آف ویو پیر سے جمعرات رات 10:03 پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر. بازار سیاست میں ہر طرف شور، کہیں ذاتی مفادات اور مخصوص ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے اس شور میں دب گئی جمہور کے ایوانوں میں جمہور کی آواز. حق بیانی کے قحط میں میری زبان قحط کا شکار ہوئی نہ ہوگی. آپ کی رائے محترم، مگر پاکستان اور سسکتی بلکتی مجبور اور لاچار عوام کے لیے ہر غلط بات پر ہم کرتے آئے اور کریں گے اختلاف رائے. دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر سے جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر. مت بولو، میں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم ہوں. بیٹے کیوں بولو، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ پاپا، جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھے تھے مجھ سے. او نواز شریف ہمارے آئے سونیا، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شہزادی اسد. شہباز، میں جب بھی دوربین سے دیکھتا ہوں مجھے سازش نظر آتی ہے. دو کون آزا فراڈ ہم جیت گئے ہیں، اب ہم وزیر اعظم بنیں گے. دیکھیے کیونکہ جمہوریت ہے، ہر جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی رات 11:03 پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر. مجھے اختلاف ہے بڑھتے ہوئے ظلم سے، مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے، مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے. رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا. دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر سے جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر. تجربہ بھی، سوچ بچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی، اہم